हेलो गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट दिस इज मिश्रा होलेंट मिश्राई चैनल जॉर्ज मेडिको लाइब्रेरी सो गाइज इस वीडियो में हम जो मेन डिजीज और ब्लड वेसल है उसके तीसरे पार्ट में है ओके okay? गाइज इस वीडियो में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी रहेंगे ओके okay? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पता हो ओके okay? अगर आपको डाउट आए ओके okay? उसके अंदर कोई भी टर्मिनोलॉजी में ओके okay? तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा ओके okay? अगर आपको कोई भी समझ में ना आ रहा होगा टर्मिनोलॉजी ओके okay? मैं कोशिश करूंगा कि सभी टर्मिनोलॉजी को कवर कवरअप करूँ ओके सो so, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ सो लेट्स बिगिन गाइज सो गाइज इस वीडियो में हम आर्टिदील हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे ओके देखिए है, आर्टिदियल हाइपरटेंशन में इसमें दो आ, सब पार्ट आएंगे ओके बेनाइन और मेलिग्नेंट फॉर्म आएगा ओके तो पहले इस वीडियो में हम सिर्फ इसके एक तरीके का इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे ओके जो जनरल पार्ट है ओके आर्टिदल हाइपरटेंशन का ओके गाइज uh, इसमें यह बताया गया है कि ये एक तरीके का हाइपरटोनिक डिजीज है ओके okay? जिसमें क्या होता है कि परसिस्टेंटली मतलब होता है कि धीरे धीरे और फ्लो में इसका ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा ओके okay? बट उसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है कि कैसे बढ़ता हुआ जाएगा परसिस्टेंटली कैसे बढ़ रहा है ओके okay? तो उसके अंदर से ये बताया गया है कि एक uh, दो uh, टाइप में ओके okay? दो सब टाइप में हाइपरटेंशन को बताया गया है पहला होता है एसेंशियल या एडियोपैथिक और दूसरा होता है सिम्टोमेटिक ओके एडियोपैथिक का मतलब क्या होता है कि जिसका कॉज अननोन हो ओके okay? जो हमें पता ही ना हो कि इसका कॉज क्या हो सकता है ओके अननोन कॉज वाला ओके okay? और दूसरा होता है सिम्टोमेटिक जिसका हमें एक सिम्टम के थ्रू तो हमें पता चलेगा कॉज क्या होगा ओके okay? तो जो ये सिम्टोमेटिक है इसे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओके okay? और ये जो दोनों हाइपर टेंशन है ओके okay? अगर इसको हम क्योर करेंगे ओके okay? तो अपने आप डिसर हो जाएगा ओके okay? और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी होता है ओके बट हम अगर डब्ल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो ब्लड प्रेशर है वन फोर्टी ओके वन फोर्टी बाई उससे अगर कम है तो उसको हम नॉर्मल के रेंज में कंसिडर करते हैं ओके अब जैसे मैंने बताया था कि ये आरटीडिया हाइपर ये एक तरीके का हाइपरटोनिक डिजीज़ है ओके तो इसमें यह बताया गया है कि ये एक क्रॉनिक इलनेस है ओके जिसमें ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जाता है ओके okay? तो इसमें हम दो चीज़ नोटिस करेंगे एक होगा बेनाइन फॉर्म ओके इसी डिजीज़ का बेनाइन फॉर्म और दूसरा होगा मेलिगनेंट फॉर्म ओके जो ये बेनाइन फॉर्म है इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्लड प्रेशर है वो प्रोलॉन्ग और ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जाता है ओके okay? इस इसको हम बोलेंगे बेनाइन फॉर्म ओके और जो मेलिगनेंट uh, फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो फास्ट और एक सडन राइज होता है ब्लड प्रेशर में ओके okay? सडनली एक uh, जरिकली बढ़ जाता है ओके okay? और इसको हम एक और नाम देते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस ओके और इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि आ, अगर ये जो ब्लड प्रेशर है ये कंटिन्यूसली रिपीटली बढ़ता हुआ जाएगा अबो 120 ट्वेंटी एम जी ओके एम एम ओके तो पेशेंट मर भी सकता है ओके दो से पाँच साल के भीतर उसकी डेथ हो सकती है ओके okay? तो इस कंडीशन को जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है उस कंडीशन वो जो कंडीशन है वो मेनली मेलिगनेंट में ही आती है ओके okay? अब आते हैं इसका एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी में ये बताया गया है कि अब करीब करीब 20 से 30 परसेंट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होती है ओके okay? वो अफेक्ट होती है इस डिज़ीज से ओके आर्टीरियल हाइपरटेंशन से ओके और जो मैन होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ज़्यादा बीमार होते हैं ज़्यादा सिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन ओके और इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि जो सिटीज़ uh, में जो पब्लिक या जो पॉपुलेशन रहती है ओके okay, उनमें ये बीमारी बहुत कॉमन होती है ओके चार से पाँच टाइम मोर होती है एज कम्पेयर टू रूरल रेसिडेंट ओके और इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये डिजीज़ डेवलप uh, होती रहती है मेनली uh, कौन सी एज में 35 फाइव टू फोर्टी फाइव ईयर्स वाले एज में होती रहती है ओके okay? और ये यंग पॉपुलेशन में भी बहुत कॉमन है ओके okay? अब आते हैं एटियोलॉजी में ओके okay? एटियोलॉजी का मतलब होता है पॉजिटिव फैक्टर ओके देखिए uh, देखिएगाइज ये जो हाइपर है या आर्टीरियल हाइपर है ओके okay, ये मल्टी है ओके मोर देन वन फैक्टर इसमें रोल uh, प्ले करते हैं ओके okay, अब इसमें एक्जोजीनियस एंडियस भी हो सकता है ओके okay, और इसमें एक और चीज़ होता है जेनेटिक फैक्टर और एनवामेंटल फैक्टर ओके ये भी रोल प्ले करते हैं ओके okay, इसके कॉज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं ओके okay, और इसके बहुत सारे अलग अलग कॉज है जिसको हम नोटिस uh, करते हैं और आपको ईजी रहेगा याद करने में जैसे पहला हो गया क्रॉनिक साइको इमोशनल ओस्ट्रेन ओके ये कंडीशन आती है दूसरा और तीसरा एक तरीके का जेनेटिक डिफेक्ट होता है ओके okay। दूसरे में ये बताया गया है जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है वो रीनल वॉल्यूम में देखने मिलता है ओके okay, किडनी वाले कंडीशन में देखने मिलता है ओके okay। तीसरा वाला आता है सेल मेम्ब्रेन में ओके जेनेटिक डिफेक्ट ओके उससे जो कैल्शियम सोडियम जो आयन आयन का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ओके okay। चौथे में एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा सोल्ट कंज्यूम करने में भी आ, ये जो ब्लड प्रेशर होता है या जो आर्टिरीअल हाइपरटेंशन होता है वो बढ़ जाता है ओके okay? पाँचवा होता है ओवेट ओके छठवा होता है स्मोकिंग और एल्कोहल अब्यूज़ सातवा होता है प्रोफेशनल फैक्टर और प्रोफेशनल फैक्टर मतलब होता है ऑक्यूपेशनल फैक्टर ओके अगर आप ऐसे ऐसे कभी कभी आठ घंटे से ज़्यादा का स्ट्रेस ले लेते हैं वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं ओके okay? और ना होता है सेंट्री लाइफ ओके तो ये लाइफ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ओके okay? अब आता है पैथोजेनेसिस पे पैथोजेनेसिस में मतलब होता है कि जो डिजीज़ कैसे डेवलप होता है उसका एक मैकेनिज्म है ओके okay? इस कंडीशन में आपको सिर्फ दो चीज़ दिमाग में रखनी है न्यूरो ह्यूमरल और हिमोडाइनमिक मैकेनिज्म ओके ये दोनों फैक्टर हेल्प करते हैं जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाने के लिए ओके न्यूरो ह्यूमरल का मतलब क्या होता है कि न्यूरोन जो न्यूरल uh, जो पाथवे होता है उसको प्लस हारमोन ओके इस इसके थ्रू हम न्यूरोूमल बोलते हैं ओके okay? और न्यूरोूमल ऑफकोर्स ये आ, जो ब्लड प्रेशर है या जो आ, आर्टरीज के या आर्टेरियल के ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ाता है ओके okay? और वो आ, ये ओके okay? जो आर्टरीज़ या आर्टेरियल है उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो ट्रिगर करता है ओके okay? हीमोडाइनमिक मैकेनिज़्म को भी ओके okay? और जिससे आ, ये जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है ओके okay? और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाता है अलॉन्ग विथ जो पेरीफेजल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है गाई पेरीफेजल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड जो आर्टरीज या जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ जाता है ओके okay? तो अगर कोई भी वेसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ऑफकोर्स पेरीफेल रेजिस्टेंस बढ़ता है और जो डायलेट करता है तो पेरीफेल रेजिस्टेंस कम होता है ओके okay? तो पूरा मिला के इस पैथोजेनेसिस में आपको दो चीज़ नोटिस करनी है न्यूडो और हिमोडायनेमिक मैकेनिज्म ये हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ओके सो so, गाइज इस वीडियो में मैंने ये कोशिश किया है कि ये एक तरीके का इंट्रो पार्ट देने के लिए ओके आर्टिदियल हाइपरटेंशन का ओके और ये मटेरियल ऑफकोर्स के बी एस यू का ही मटेरियल है ओके मैंने ये उसी के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ ओके सो गाइज अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज इज द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल थैंक यू सो मच गाइज